नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर सेंट्रल स्टैग्स वर्सेस ऑकलैंड एसिस। सुपर स्मैश का ये मैच 31 दिसंबर को सुबह 6:10 से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल स्टैग्स टेबल में थर्ड पोजिशन पर है, अब तक 2 गेम खेली है जिसमें से एक जीती है, एक गेम ड्रॉ करा है, जबकि ऑकलैंड एसिस अपने ऊपर ओपनिंग दोनों गेम्स हार चुके हैं। नेट रन रेट 1.39 का है। जैसे आप देख सकते हो, वेलिंगटन फायरबर्ड्स के अगेंस्ट 4 विकेट से हार गए थे, फिर ओटागो वुल्व्स के अगेंस्ट 45 रन से हार गए थे, जबकि सेंट्रल स्टैग्स अपना वेलिंगटन फायर्स के अगेंस्ट ओपनिंग मैच 39 रन से हार गए, बट देन नॉर्दर्न नाइट्स को उन्होंने 45 रन से हराकर अपनी सीजन की फर्स्ट जीत पा ली है। इस पर्टिकुलर गेम में भी सेंट्रल स्टैग्स विल स्टार्ट एज फेवरेट्स एंड विल बी यू नो द स्ट्रॉन्गर टीम दैट वी विल बैक इन दिस पर्टिकुलर गेम, और हमारी टीम्स को भी हम उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। दोनों टीम्स की स्क्वाड्स की बात करें और एक्सपेक्टेड 11 की बात करें, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस और सरप्राइजेस येट, बिकॉज सीजन में तो 2 ही गेम हुई है। आई एम श्योर टीम्स विल गिव देयर प्लेयर्स यू नो अ रन एंड बैक देम बिफोर दे स्टार्ट चेंजिंग एंड चॉपिंग। बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स की, तो सेंट्रल स्टैट्स की तरफ से अगर आप देखोगे तो डग ब्रेसवेल काफी तोड़ू रहे हैं। अब तक 57 रन स्कोर करा है इन्होंने, 55 जिनका इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है अब तक सीजन में। वर्कर हैज बीन वेरी गुड, 98 रन मारे हैं वर्कर ने। देन क्लीवर हैज स्कोर 56 रन, क्लार्कसन के 55 हैं। तो ये मोटा मोटा ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो, दीज आर द बैट्समैन यू नो हु विल रियली कॉन्ट्रीब्यूट एंड बी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर गेम। फ्रॉम अ बोलिंग परस्पेक्टिव इफ यू सी, फील्ड ने अब तक 4 विकेट्स लिए हैं, टिकनर के 3 हैं, ब्रेसवेल के 2 हैं और नोमा बैरनेट के 4 विकेट हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों, ब्रेसवेल यहाँ पे 2 विकेट हैं, यहाँ पे ही इज ऑल्सो स्कोर 57 रन, विच मीन्स दैट ही इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर फॉर यू टू कंसिडर इन दिस पर्टिकुलर गेम, और एक अच्छा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑकलैंड एसिस की बात करें तो यहाँ से एक प्लेयर जो स्टैंड आउट करता है वो है सोलिया। सोलिया सो फार हैज स्कोर 105 रन, जिसमें से 75 इसका हाईएस्ट स्कोर रहा था और काफी तगड़ा खेला था ये जो उनकी ओपनिंग गेम में इन्होंने मारा था। हॉर्न है स्कोर 67 रन, डब्ल्यू डोनल की 52 हैं, आर ओ डोनल के 45 हैं। सो दीज बैट्समैन हैव बीन द कोर ऑफ द टीम, बट इतना इंप्रेसिव रही नहीं है। बोलिंग एवरेजेस देखें तो जी फिलिप्स हैज पिक्ड अप 2 विकेट्स येट, आर ओ डोनल की 1 विकेट है, बट डी फर्न्स हैज बीन द स्टैंड आउट बोलर फॉर देम, 5 विकेट इसने पिक किए अब तक। डब्ल्यू सोमोविल काफी अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में भी काफी सही करते हैं और अब तक इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। बेन लिस्टर हैज फेल्ड टू पिक अप अ विकेट, बट ये भी बहुत उमदा प्लेयर है एंड यू शुड समवन दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर फॉर योर टीम्स, स्पेशली फ्रॉम अ ग्रैंड लीग परस्पेक्टिव। बात करते हैं दोस्तों भी की प्लेयर्स के बैटिंग ऑर्डर क्या है, बोलिंग ऑर्डर क्या है, किस तरीके से यू नो प्लेयर्स कौन से हैं जो ऊपर की तरफ खेल रहे हैं, कौन है वो प्लेयर्स जो क्रिटिकल मोमेंट्स पे अगर बोलिंग कर रहे हैं। तो सेंट्रल स्टैक्स की तरफ से वर्कर और विगिंस दोनों ओपन करते हैं, उसके बाद क्लीवर आते हैं, टॉम ब्रूस आते हैं और फिर क्लार्कसन आते हैं। जैसे आप देखोगे पिछले गेम में भी सेम ऑर्डर था, वर्कर ने 71 मारा था, ब्रेसवेल ने 55 मारा था और काफी तगड़ी इन्होंने पार्टनरशिप जमा के कंट्रीब्यूट करा था अगेंस्ट नॉर्दर्न नाइट्स। बोलिंग की बात करें तो पटेल नॉर्मली ओपन करते हैं अलॉन्ग विद ब्रेसवेल इन द फर्स्ट गेम, देन टिकनर आते हैं, फील्ड थे, ब्रूस और बार्नेट जिनके की प्लेयर्स हो गए। नॉर्दर्न नाइट्स के अगेंस्ट ब्रेसवेल ने ही बोलिंग ओपन करी थी अलॉन्ग विद टिकनर। ये दोनों दोस्तों याद रहे, टिकनर बहुत उमदा बोलर है, मस्ट हैव पिक फॉर योर फैंटेसी टीम्स। फील्ड ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी अब तक, पटेल थे और बार्नेट ने 3 विकेट पिक करे थे। तो मोटा मोटा दोस्तों ये हो गया आपके ऑर्डर ऑफ की प्लेयर्स। हम हमारी टीम में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल स्टैग्स के प्लेयर ले सकें। बात करते हैं ऑकलैंड एसिस की, तो यहाँ पे बेगिन और सोलिया ओपन करते हैं, फॉलोड बाय डब्ल्यू ओडोनल एंड आर ओडोनल। ओपनिंग गेम में जैसा आपको बता रहा था, सोलिया ने बहुत उमदा इनिंग्स खेली थी 75 की, बट फिर भी वेलिंगटन फायरबर्ड्स के अगेंस्ट वो काफी नहीं रहा एंड दे एंडेड अप लूजिंग देयर गेम। ओटागो वुल्व्स के अगेंस्ट सेम बॉटिंग ऑर्डर रहा था, हॉर्न ने वहां पे 63 रन मार के काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। सोलिया वंस अगेन मैनेज 30 रन बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हम बोलिंग पर्सपेक्टिव, सोमोविल ओपन ने बोलिंग ओपन करी थी अगेंस्ट वेलिंगटन अलॉन्ग विद लिस्टर। सेकंड गेम में फर्न्स ने ओपन करी थी अलॉन्ग विद सोमोविल, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी फर्न्स की। अगर आप देखोगे तो 3 विकेट पिक किए थे, उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट थे, तो कंसिस्टेंट रहे इनके लिए। सोमोविल ने भी दोनों मैचेस में पिक किए हैं विकेट, प्रिंगल के विकेट आए हैं दोनों गेम में। तो ये मोटा मोटा आपके की बोलर्स भी आप समझ सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीम। जैसे आपको बता रहा था, बेन लिस्टर ने भले अब तक विकेट नहीं लिया है बट काफी अच्छे बोलर हैं, डोमेस्टिक में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप ध्यान रख सकते हो इनके ऊपर, स्पेशली फ्रॉम अ ग्रैंड लीग टीम्स पर्सपेक्टिव। बात करते हैं दोस्तों सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की, तो हमने क्या किया है, हमने एज अ कीपर जी फिलिप्स को पिक किया है बिकॉज बहुत तगड़े बैट्समैन है, बहुत ही डिफरेंस बड़े डिफरेंस मेकर बन सकते हैं आपकी टीम्स के लिए। बट याद रहे ये ऑकलैंड एसिस के हैं जिनको हम इस पर्टिकुलर गेम में रिलेटिवली वीक मान रहे हैं, और जैसे आप देख सकते हो कि वी ओनली पिक्ड अप 4 प्लेयर्स फ्रॉम दिस टीम। टॉम ब्रूस हमारे बैट्समैन में है, आर ओ डोनल है और सी लेपर्ड है, इन 3 प्लेयर्स को हमने बैक किया हुआ है एज आर बैटर्स। ऑलराउंडर्स में अगर आप देख सकते हो, जी वर्कर हैं, जे क्लार्कसन है और सोलिया है, इन 3 को पिक किया हुआ है। वी हैव नॉट बीन एबल टू अफोर्ड यू नो ब्रेसवेल, अगर आप किसी और ऐप पर इसको ब्रेसवेल को फिट कर सकते हो देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ब्रेसवेल इन योर टीम इन प्लेस ऑफ समबडी एल्स।
फिलहाल हम इसको पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो वी हैड टू टेक अ टफ कॉल ऑफ ड्रॉपिंग हिम। मे बी आप अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में ब्रेसवेल को पिक कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मेक हिम अ कैप्टन। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, हमने क्लार्कसन को यहाँ पे बैक किया हुआ है। उसका सिलेक्शन परसेंटेज इतना ज्यादा है नहीं, थोड़े से पंट पिक टाइप्स ऑफ प्लेयर है, बट वी रियली बिलीव दैट ही कुड बी अ बिग डिफरेंस मेकर इन दिस पर्टिकुलर गेम। बात करते हैं दोस्तों फ्रॉम बोलर, वी पिक्ड अप टिकनर, वी हैव लिस्टर, पटेल और फील्ड। लिस्टर के बारे में आपको बताया था कि भले अब तक इसने विकेट पिक नहीं किया है, बट वी स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट ही कैन बी अ बिग बिग डिफरेंस मेकर। हम हमारे जो पन पिक्स हैं उनको बैक करेंगे, बिकॉज वी बिलीव सुनर और लेटर वो क्लिक जरूर करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, एक सैम्पल टीम है, फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद और डेडलाइन से 10 to 15 मिनट पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विद कैप्टनशिप पिक, वाइस कैप्टनशिप पिक और हमारी फाइनल 11। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस गेम बट फॉर अदर गेम्स एज वेल। याद रहे दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स में एक फन एलिमेंट होता है, उसको उसी तरीके से खेलिए, और एक फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो प्लीज अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप इसमें एंगेज कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।